हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कावि सकेरी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जूलॉजी 2015 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो ये पार्ट थर्ड है, बाकी के पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, वाई शेप चेवरन बॉन इज प्रेजेंट इन। तो ये जो बॉन होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपने वेरेनस का देखा होगा कि वो एक रेप्टाइल है, उसकी जो कॉडल वर्टिब्रा ऑफ द रेप्टाइल प्रेजेंट इन द कॉडल वर्टिब्रा ऑफ रेप्टाइल्स। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है ना, पहले ऑलरेडी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो ऑटोटॉमी। तो इनमें से कौन सा है जो ऑटोटॉमी शो करता है। सबसे पहले चीज ये आती है कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो कोई लिजर्ड है ओके, तो उसकी जो टेल होती है वो क्या करता है, प्रीडेटर जैसे ही आता है तो अपना प्रोटेक्शन करने के लिए वो जो प्रीडेटर को देख के डिफेंस वो करता है, अपनी जो टेल होती है वो क्या करता है, डिटैच करके भाग जाता है ना। फिर थोड़े दिनों बाद उसकी जो टेल होती है वापस रीजनरेट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। तो ये बहुत सारे एनिमल में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश भी इसी का एग्जाम्पल होता है ना। सो आपका जो एस्टेरिस दैट इज स्टारफिश, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया, ये जो टर्म है ये ऑलरेडी पूछा गया, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लैक अ ट्रू हॉर्न। ऐसा कौन सा एनिमल है यहाँ पे कि जिसके अंदर जो हॉर्न है वो क्या है, एब्सेंट है ना, लैक मीन्स ट्रू हॉर्न एब्सेंट होता है। तो देखो हॉर्न्स का मतलब, ट्रू हॉर्न का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। ट्रू हॉर्न का मतलब होता है, हॉर्न का मतलब सिंग है ना। तो ऐसा कौन सा जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर जो सिंग होते हैं, जो हॉर्न होता है वो अगर जो लाइफ में एक बार ही आते हैं और मीन्स कटने के बाद वापस रीजनरेट नहीं होते हैं, कटने के बाद वापस रीजनरेट नहीं होते उसको हम बोलते हैं ट्रू हॉर्न। ओके, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उसके, इसके तो एग्जांपल है लाइक आपका जो कैटल्स हुआ है ना, कैटल हुआ, एंटीलैप हुआ और द शीप, ये आपका ट्रू हॉर्न्स के एग्जांपल्स है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लैक का ट्रू हॉर्न। ओके, तो ये सारे ये तो नहीं होगा ना। तो अब भी बात आती है कि जो ट्रू हॉर्न नहीं होता इसका मतलब ये होता है, लैक अ ट्रू हॉर्न इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिसका जो हॉर्न है वो मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग आता रहता है ना। जैसे हम रेन डियर की बात करते हैं तो रेन डियर के अंदर मेनली जो फीमेल होती है उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो बार बार सेडेड होते हैं, वापस रीजनरेट होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। ओके, तो श्योर सी बात है वो उसका ट्रू हॉर्न नहीं होगा क्योंकि ट्रू हॉर्न लाइफ में एक बार ही आता है ना, बार बार कटने के बाद वापस नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है द न्यू वर्ल्ड मंकी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी से कैसे डिफरेंट है, कैसे हमें डिफरेंस है ना। तो कुछ फीचर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स को आप लर्न कर लेना, ये सारे ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पे हम बात करते हैं टेल की, तो देखो टेल की अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उसकी प्रीहेंसाइल टेल होती है, बट जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है उसकी जो टेल होती है वो नॉन ग्रैप्सिंग टाइप की होती है ना। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 एज इट इज 2020 के अंदर, अभी जो 20 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आ रखा है। एडिमा नोटिस इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्सियोकर डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो एडिमा है वो जो कॉन्सियोकर एडिमा जो नोटिस होता है पेशेंट के अंदर सफरिंग फ्रॉम कॉन्सियोकर डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है। तो श्योर सी बात है एल्ब्यूमिन की कमी से होता है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। तो कुल मिलाकर आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीटेटिव होते हैं। मेनली आपको लगता नहीं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट क्वेश्चन ये वैसे इसकी तो लैंग्वेज चेंज नहीं है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 56 एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल चेक पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सेल साइकिल चेक पॉइंट का जो हम चेक पॉइंट्स देखते हैं, एक आप हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज यहाँ पे, और एक हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। तो
यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मेनली जो चेक पॉइंट का फंक्शन क्या होता है, एक होता है G1 चेक पॉइंट, एक होता है G2 चेक पॉइंट, एक M1 चेक पॉइंट जो कि M फेज के बीच में होता है। तो चेक पॉइंट जनरली क्या करता है, अगर मेनली अगर हम बात करें तो वो DNA डैमेज को पता लगाएगा ना, एस्टिमेट करेगा। अगर मान लो कोई सेल है वो DNA अगर डैमेज हुआ, G1 से S फेज में जा रही है या फिर G2 से M फेज में जा रही है, अगर कोई DNA डैमेज है उसको वापस रिवर्स बैक भेज देगा, ओके, तो रिवर्स बैक भेज देगा और फिर वापस उसको रिपेयर होने हो जाएगा। तो मेन फंक्शन है वो एसेस द DNA डैमेज का पता लगाता है, देन DNA डैमेज होता है, अगर वो DNA डैमेज होने लायक नहीं है देन वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि उसकी सेल की डेथ करा देगा ना। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका है एसेस द DNA डैमेज। ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीटेटिव है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दे रखा है, न्यूक्लियोसोम इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है न्यूक्लियोसोम के बारे में, है ना। तो इसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम होता है क्या है। जब कोई हिस्टोन के चारों ओर DNA व्रैप्ड हो जाता है तो उसको उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हिस्टोन, है ना, सॉरी न्यूक्लियोसोम। तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। हिस्टोन की जीन फैमिली के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्टोन है ना, जो हिस्टोन है उसकी जो जीन फैमिली होती है वो बहुत सारी होती है। फॉर एग्जाम्पल H1 होती है, H2A होती है, H2B होती है, एंड H3 एंड H4। तो जो H1 है उसको छोड़ के ये जो चारों होती है वो क्या करता है कि मान लो कि ये ऑक्टोमर फॉर्मेशन करता है। ये चारों के चारों क्या करता है, ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करता है। कैसे, देखो मान लो कि ये मैं बना रही हूँ हिस्टोन, ओके, हिस्टोन बना रही हूँ ऐसे, वेट, हिस्टोन बना रही हूँ। इसकी क्या होती है कि इन सबकी 2-2 यूनिट, कितनी, इनटू 2 कर दूं मैं, ओके, इन सबकी 2-2 यूनिट यहाँ पे यूज आती है। मींस H2A 2 बार, H2B 2 बार, मींस टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स यूज आते हैं इन द ऑक्टोमर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका 1, 2 पीछे होता तो दिखता नहीं है, एंड 1, 2 एंड 4, कुल मिला के 4 आगे एंड 4 पीछे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो DNA होता है वो उसके जस्ट ऊपर वैप्ड होता है, लाइक ऐसे, ये DNA उसकी जस्ट ऐसे वैप्ड होता है। ये क्या है आपका, ये DNA, और DNA का कितना बोलते हैं ना, कितना बेस पेयर DNA होता है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, फिक्स एक सीक्वेंस होती है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होती, ध्यान रखना। तो फिक्स एक पर्टिकुलर बेस पेयर होती है, तो साइज पर्टिकुलर साइज की बेस पेयर होती है, वो हम बोलते हैं 147 बेस पेयर, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके। तो न्यूक्लियोसोम हम इसी को ही बोलते हैं। और फिर न्यूक्लियोसोम फिर आगे जाके एक और ऐसी, ये जो DNA है फिर और आगे जाएगा, देन फिर एक और आपका ऐसे ही बनेगा, देन इसके ऊपर अगेन इसके ऊपर ये, ओके। अब बात ये आती है कि H1 का कहाँ पे काम है ना, H1 का कहाँ पे काम है। तो यहाँ पे जो लिंकर दिख रहा है आपको, ये जो DNA है, इस DNA के बीच में ये जो होता है लिंकर, वो होता है आपका H1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके, H1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जब हमारे, तो इस न्यूक्लियोसोम किसको बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं DNA प्लस आपका हिस्टोन, ओके, हिस्टोन का वो भी ऑक्टोमर। बट ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के हम क्या बनाएंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बनाएगा क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम किसको बोल सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि DNA प्लस हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स, ओके, जो ऑक्टोमर बोलते हैं, प्लस H1, जब H1 यहाँ पे बीच में आ जाता है तो H1 मिलके आपका बनाता है क्रोमेटोसोम। देन अगेन बहुत सारा लाइक बहुत फाइबर सोलिनॉइड फॉर्म में बनेगा, ऐसे गोल गोल फॉर्म में बनेगा ना, तो उसको हम बोल देंगे, जब ये लॉन्ग चेन में बन जाएगा अप्रोक्स 30 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा, नैनोमीटर, ओके
ओके, तो 30 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा तो वो हो जाएगा सोलेनोइड। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखो, क्वेश्चन में दे रखा है न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चर यूनिट कंसिस्ट ऑफ। तो देखो तो किस किस से बन रखा है ये आपका बनेगा, हमने क्या बोला था कि 8 हमारे होने चाहिए, कि 8 हमारे होने चाहिए मॉलिक्यूल्स प्लस आपका कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होनी चाहिए ना, और स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए होना चाहिए। वो भी कितना लेंथ होना चाहिए आपका, हमने बात की थी 147 बेस पेयर की स्पेसिफिक। तो ये कहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल नहीं है ना, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है, 8 है ठीक है, बट स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होती, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए होता है। तो लेंथ ऑफ डीएनए ठीक है ये सही हो सकता है, फिर 4 हिस्टोन तो ये तो ऐसे नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एंजाइम विद टू बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, एपो एंजाइम, दूसरा हेलो एंजाइम, तीसरा एलोस्टेरिक एंजाइम एंड द फोर्थ वन इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपो एंजाइम क्या होता है। तो मान लो कि आपके पास एक एंजाइम है, आपके पास दैट इज द मान लो कोई एंजाइम है, ओके। तो ये जो एंजाइम्स होता है ध्यान रखना वो हमेशा प्रोटीन इन नेचर का होता है, ओके। एंड जो नॉर्मल एंजाइम है इसके पास में ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, कैसा है ये आपका है इनएक्टिव फॉर्म में, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट इज द एपो एंजाइम, ओके। बाद में क्या होता है कि इसके पास में वेट, तो जब एपो एंजाइम जो एंजाइम है वो अगर वो इनएक्टिव फॉर्म है उसको हमने क्या बोला, एपो एंजाइम। प्लस अगर उसके पास में कोई कोफैक्टर बाइंड हो, क्या कोफैक्टर, अगर इसके साथ कोफैक्टर अगर बाइंड हो जाए, कोफैक्टर कैसा होता है ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, जो कोफैक्टर होता है वो आपका नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है, ओके। तो जब तो जो प्रोटीन के साथ जब कोफैक्टर जुड़ जाता है तो वो क्या बनाएगा, वो आगे जाके बनाएगा आपका, ये आपका क्या है, एपो एंजाइम। मान लो कि ये आपका प्रोटीन नेचर का एंजाइम है और इस पे अगर बाइंड हो गया आपका वेज, इसके ऊपर आपका बाइंड हो गया कोफैक्टर्स, ओके। जब भी कोई किसी एंजाइम के ऊपर कोफैक्टर बाइंड हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका एक्टिव, ओके। इसका मतलब है अब एंजाइम है वो आपका क्या हो चुका है, वो एक्टिव हो चुका है। तो जब इसके साथ प्रोटीन के साथ कोफैक्टर बाइंड होता है तो जो एंजाइम बनता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि पहले ये इनएक्टिव था बेचारा, ये प्रोटीन इनएक्टिव था, जैसे कोफैक्टर्स के ऊपर बाइंड हुआ ये बन गया एक्टिव एंजाइम। तो इसे जब कोई एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं वेट, तो ये एंजाइम क्या बन गया आपका, होलो एंजाइम, ओके, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, ओके। एक चीज और याद ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका होलो एंजाइम, अभी एंजाइम क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है तो पहले अभी इनएक्टिव था, ध्यान रखना जो इनएक्टिव एंजाइम होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, और उसके साथ जब जैसे कोफैक्टर बाइंड होता है तो वो बन जाता है एक्टिव, और उसी जब एक्टिव हो जाता है मीन्स यहाँ पे कोफैक्टर बाइंड है तो उसी को हमने बोला है होलो एंजाइम। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो एक्टिव हो चुका है, अब यहाँ पे सब्सट्रेट है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे बाइंड हो सकता है, तो यहाँ पे तो आगे क्या बनेगा, यहाँ पे जो सब्सट्रेट है उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, ओके। तो बाइंड होने के बाद तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि ये चीज थी, ये एक्टिव एंजाइम है, इसके ऊपर सब्सट्रेट क्या हो जाएगा, बाइंड, और ये क्या आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। तो ऐसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट होता है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो कौन कौन से वर्ड है, एक आपका आया एपो एंजाइम, ध्यान रखना दैट इज द इनएक्टिव एंजाइम और ये प्रोटीन इन नेचर का होता है, एक होता है आपका कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन इन नेचर का होता है। जब प्रोटीन और जो आपका एंजाइम और कोफैक्टर जब मिल जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है एंजाइम, और उसी को हम बोलते हैं होलो एंजाइम, ओके। वो आगे जाके फिर आगे जाके ये जो सब्सट्रेट है ये आपके साथ बाइंड होगा एंड भी ये बना देगा प्रोडक्ट। इसमें एक और चीज ध्यान रखने की चीज ये है कि जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर एंजाइम के साथ अगर ध्यान से सुनना, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली पैक हो तो इस टाइप के हम इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ओके। अगर ये
प्रोटीन इसके साथ लूजली पैक हो। अगर ये लूजली पैक्ड हो तो इसको हम बोलते हैं को एंजाइम। तो ये वर्ड भी आता है, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड भी आपके आते हैं। आपको ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये क्या होता है, जो को एंजाइम है ये क्या होता है। तो ध्यान रखना, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको बोला गया है, जब कोई एंजाइम को एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड है, अगर को फैक्टर अगर टाइटली बाइंड है तो उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। जो लूजली बाइंड होता है वो होता है को एंजाइम। को एंजाइम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटेलेज है ना, और प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका मेटल्स आयंस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आयंस एक्सेट्रा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ये मैंने इसलिए आपको समझाया कि ये आपको हर एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, एपो एंजाइम के बारे में, नॉन प्रोटीन, प्रोटीन इन नेचर, होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द को एंजाइम्स। ओके, तो ये सारा आप अच्छे से देख लेना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंजाइम विच हैव अ टू बाइंडिंग साइट। तो पहला आपका है एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम हमने देखा क्या है, ये आपका इनएक्टिव एंजाइम है तो ये तो होगा नहीं। होलो एंजाइम जिसको हम एक्टिव एंजाइम बोलते हैं, जब को फैक्टर बाइंड हो जाता है तो ये भी होगा नहीं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब होता है कि किसी के साथ बाइंड रहता है ना, तो ये भी आपका होगा नहीं। एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि एक हीमोग्लोबिन है, मान लो कि ऐसा हीमोग्लोबिन है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर कितनी साइट है, 1, 2, 3 एंड 4 साइट है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे हीमोग्लोबिन पे बाइंड होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड हो गए, नहीं, एक एक करके यहाँ पे बाइंड होता है। मान लो कि पहला एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जैसे ही एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है ये दूसरी साइट को ट्रिगर करता है कि हाँ अब ये फिर साइट ओपन होगी, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगा, फिर ये इसको ट्रिगर करेगा, देन यहाँ पे, तो वहाँ पे वन बाय वन आगे आगे ऐसे बाइंड होता रहता है। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। कुल मिला के यहाँ पे कितनी एक्टिव साइट है, यहाँ पे दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है एंजाइम विद टू बाइंडिंग साइट, दैट इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक एंजाइम। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड ये जो है ये आपका हील इक्वेशन को फॉलो करता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, जब किसी के पास एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट होती है तो वो हील एंजाइम को फॉलो करता है, हील इक्वेशन को ना, हील इक्वेशन को फॉलो करता है। और उसी को हम बोलते हैं ओलिगोमेरिक, एक ऐसा एंजाइम है, ओलिगोमेरिक एंजाइम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा, अ सिंगल बी सेल कैन एक्सप्रेस बोथ IgM एंड IgG साइमल्टेनियसली ऑन इट्स सरफेस बिकॉज ऑफ, जो आपको पता है कि जो बी सेल है उसकी सरफेस पे IgM और IgD दोनों प्रेजेंट होती है, दोनों यहाँ पे एक्सप्रेस करता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ भी एक्सप्रेस हो सकती है। दोनों एक साथ एक्सप्रेस क्यों हो सकती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट एंटीजन को अपनी सरफेस पे डिफरेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। ओके, सो दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस, बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ टू डिफरेंट एंटीजन। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन हनी बी, ऑबेलिया एंड द जेलीफिश। तो आपको पूछा गया है तीनों में क्या चीज कॉमन है। पहला है आपका पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस आपको हनी बी में देखने को मिलता है, बाकी में नहीं देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म है ना, पॉलीमॉर्फिज्म आपका हनी बी, ऑबेलिया एंड द जेलीफिश तीनों में देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है। सी इज द प्रीडेशन, तो हनी बी में प्रीडेशन नहीं होता, तो ये इन दोनों में होता है, तो ये तो नहीं होगा। पेडियोजेनेसिस, आपको पता है पेडियोजेनेसिस, ये टर्म नियोटेनी एंड पेडियोजेनेसिस है ना, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो पेडियोजेनेसिस क्या होता है कि जो लार्वा स्टेज होती है, उसके अंदर एडल्ट के कैरेक्टर दिखना है ना, तो लार्वल स्टेज के अंदर की, इसके अंदर सेक्सुअली ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओके, मींस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस।
और न्यूटेमी क्या होता है कि एडल्ट स्टेज के अंदर लार्वल कैरेक्टर का रिटेंशन होना, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंट होता है, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सो ये भी इनकरेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, सॉरी ये तो है पॉलीमॉर्फिज्म सही है, ये भी इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स एक से ज्यादा उसका मॉर्फिज्म, एक से ज्यादा उसका होता ना बहुत सारे, जैसे हनी के अंदर, हनी बी के अंदर उसको देखने को मिलता है हमारे वर्कर्स है ना, वर्कर हुआ, सोल्जर हुआ एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, डार्विन एंड नेरमार्क के बारे में आप अच्छे से रट लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि टर्म डार्विन फिटनेस, डार्विन फिटनेस का मतलब क्या है, तो डार्विन क्या बोलता है, डार्विन ये बोलते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेचर के साथ अडेप्ट कर सकता है, मीन्स वहां पे नेचर में सर्वाइव करेगा, प्लस रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ओके, अपने नंबर को इंक्रीज करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो ये चीज कौन बोलती है, ये डार्विन फिटनेस शो करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव भी करना चाहिए एंड रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका हो गया करेक्ट। बी में क्या दे रखा, हाईली एग्रेसिवनेस, तो एग्रेसिव टाइप का होगा तो आगे फिर वो फाइटिंग टाइप का हो जाएगा, तो इतना वो नेचर में अडेप्ट करने में कैपेबल नहीं होगा ना, रिप्रोड्यूस भी वह नहीं होगा। स्ट्रांग एंड हेल्दी अपेरेंस, हेल्दी अपेरेंस से कुछ नहीं होता है, वो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिजिकली स्ट्रेंथ है ना, तो फिजिकली अच्छा दिखना नहीं होता, नेचर में अडेप्ट करना ही बेस्ट होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका मोस्ट सुटेबल आंसर। तो डार्विन के बारे में अच्छे से देख लेना, लेमार्क के बारे में भी अच्छे से देख लेना। स्लेवरी ग्लैंडिंग कॉकरोच ओपन इन, तो जो वेट, तो कॉकरोच का जो स्लेवरी ग्लैंड है वो ओपन कहाँ पे होता है, तो मान लो कि कॉकरोच है, तो कॉकरोच श्योर सी बात है स्लेवरी ग्लैंड है, तो ये आपके माउथ के अंदर ही जाएगी ना, स्लेवा कहाँ जाएगा, माउथ के अंदर ही होगा, तो इसोफेगस में तो होगा नहीं, खाने इसोफेगस के अंदर तो होगा नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट है। क्रॉप उसके बाद आता है, तो ये भी होगा नहीं। फेरिंग्स थोड़ा सा नहीं होगा, बट हाइपोफेरिंग्स हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, यंग वन ऑफ डिप्टेरा इज कॉल्ड, तो यंग वन ऑफ डिप्टेरा इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो डिप्टेरा का यंग वन को क्या बोलते हैं, पहला आपका है ऑप्शन नंबर निम्फ, तो निम्फ तो हमने ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं, और ड्रैगन फ्लाई आपका डिप्टेरा के अंदर तो आता नहीं है, है ना, तो जो ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है उसके अंदर देखने को हम वो होता है निम्फ, तो ये तो होगा नहीं, है ना। फिर आता है आपका मैगोट, तो मैगट आपका ये जो डिप्टेरा होता है, मान लो कि जो हाउस फ्लाई है ना, जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम मैगट बोलते हैं, और वो आपका डिप्टेरा के अंदर आता है, तो ये हो सकता है ना, यंग वन मीन्स उसके एग हैच होने के बाद जो बच्चा होता है दैट इज द लार्वा, वो उसकी बात हो रही है। फिर आता है आपका सी, दैट इज द कैटरपिलर, कैटरपिलर सबको पता है बटरफ्लाई के जो लार्वा होता है, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है ऐसा होता है ना, सूडोलैक्स होता है, तो वो आपका लेपिडोप्टेरा में आता है, डिप्टेरा के अंदर आता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एमिगो, तो ये जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं कि जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई का जो एडल्ट होता है ना, जो एडल्ट होता है उसको हम ये बोलते हैं, तो ये भी आपका एडल्ट की बात पूछी नहीं है, यहाँ पे यंग वन की पूछेगा, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, साइंटिफिक नेम ऑफ द लेपर्ड इज, तो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, पहला ऑप्शन है पैंथरस पैरिडस, दैट इज द करेक्ट। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बी आपका है लैंथरस लियो, लियो का मतलब लैंथरस लियो मीन्स यहाँ पे लायन की बात हो रही है, ये लायन है, तो ये तो होगा नहीं। सी आपका है पैंथरस टिगेरिस, तो ये तो आपका हो जाएगा टाइगर, है ना, तो ये भी आपका होगा नहीं क्योंकि लेपर्ड के बारे में। और आपका है पैंथरा ऑनका, तो ये जो होता है ये आपका होता है जंगूर, है ना, जंगूर होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बचा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी वैसे पहले पूछा गया है, मीन्स डायरेक्ट लेपर्ड का नहीं पूछा गया, पहले आपका लायन और आई थिंक टाइगर का पूछा गया था, फिर ऑप्शन दे रखे थे, तो ऐसे आप अपने जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो आप लर्न रखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 66,
इसमें क्या दे रखा है आपका, रिगर मोर्टिस टेम्परेरी मसल्स रिजिडिटी रिजल्ट फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ। तो आपको पता है जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो आपने कहीं किसी लाइक डेड बॉडी को देखा होगा उसकी जो पूरी बॉडी की जो मसल्स है वो एकदम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, उनकी जो बॉडी की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द डेथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, इसी को हम बोलते हैं दैट इज द रिगर मोर्टिस। और ये क्यों होता है, तो देखो जब हमारी डेथ हो जाती है तो श्योर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर एटीपी का जो सिक्रेशन है वो नहीं होगा। ओके, जब एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एटीपी का क्या फंक्शन है, एटीपी का क्या फंक्शन होता है कि जो आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के टाइम मायोसिन हेड है ना एंड एक्टिन फिलामेंट, ये आपने सुना होगा, तो नहीं सुना तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन पढ़ लेना। ओके, तो जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या होता है, बाइंड रहता है, तो बाइंड रहता है तो बाइंड रहने से जो मसल्स है वो क्या रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है। जब एटीपी आती है तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को हटा देती है ना, तो श्योर से बात है जब एटीपी नहीं है तो जो मायोसिन हेड है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड रहेगा, बाइंड रहेगा तो जिससे मसल्स होगी वो कैसे रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने कुल मिला के यहाँ पे रिजल्ट फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ, यहाँ पे किसका डिप्लीशन होगा, डिप्लीशन ऑफ एटीपी, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन भी एज इट इज पहले पूछा गया है ना रिगर मोर्टिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन अ जियोग्राफिकल बैरियर डिवाइडेड मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन डैश स्पीशिएशन मे अकर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक है ना, तो ये सारे स्पीशिएशन क्या होता है। सिम्पैट्रिक का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नहीं बता रखा आपने प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्यूशन वो आप देख लेना। सिम का मतलब होता है साथ है ना, तो कोई ऑर्गेनिजम्स है, मान लो कि ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट हो जाता है ए स्पीशीज से, वो हो जाती है बी में कन्वर्ट और फिर रिप्रोडक्शन आपस में नहीं करती है बट रहती तो साथ में, तो वो होता है आपका सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। ये आप अच्छे से बुक में इकोलॉजी की बुक से अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट होता है आपका एलोपैट्रिक स्पीशीज, मान लो कि कोई स्पीशीज थी ओके, तो बहुत सारी यहाँ पे स्पीशीज थी ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सडनली कुछ मान लो कि सडनली रिवर आ गई है ना या फिर कोई हिल बन गया, तो इस वजह से दो स्पीशीज से अलग अलग हो गई, तो अलग हो जाना दैट इज एलो, एलो मीन्स अलग हो जाना, जियोग्राफिकल बैरियर मीन्स आपका हिल बन जाना रिवर आ जाना एक्सेट्रा, उनकी वजह से जब सेम स्पीशीज आपस में सेपरेट आउट हो जाती है दैट इज एलोपैट्रिक स्पीशीज। सो क्वेश्चन में ये तो दे रखा है जियोग्राफिकल, जब भी कोई जियोग्राफिकल बैरियर है आंख बंद करके आप एलोपैट्रिक लिख लो है ना, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। बाकी जो स्टेबलाइजेशन ये डायरेक्शन ये अलग होता है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है, सिकल सेल एनीमिया वॉज द मेंटेन इन अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज इन हेट्रोजाइगोट वॉज रेजिस्ट टू मलेरिया। ओके, बोथ होमोजाइगोट वर सिलेक्टेड अगेंस्ट, बोथ होमोजाइगस वॉज सिलेक्टेड अगेंस्ट बाय सर्व सिकलिंग और द सस्टेबिलिटी टू मलेरिया, दिस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट। तो यहाँ पे होमोजाइगट को सिलेक्ट किया गया अगेंस्ट द सिकल सेल एंड द सस्पेंडरी ऑफ टू मलेरिया। ओके, तो आपने ये सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट आपको पता होगा कि नॉर्मली मान लो कि ए ए ओके ये आपका प्योर है, यहाँ पे सिकल सेल नहीं होगा, एक आपका होता है ए ए तो इसके अंदर ये सिकल सेल एनीमिया का मान लो ये जीन है ओके, बट यहाँ पे ये मीन्स रिसेसिव शो कर रहा है तो यहाँ पे इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा बट इसका ये जो है ये मलेरिया इसको भी कभी नहीं होगा। ओके, और जो सिकल सेल एनीमिया का क्या होगा, ये होगा आपका कैरियर। ओके, थर्ड आपका होता है ए एंड ए, इसका मतलब होता है दोनों के ऊपर सिकल सेल एनीमिया का जीन है, इसका मतलब ये पर्सन के ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये पर्सन पैदा होते ही मर जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड अगेंस्ट द सिकलिंग एंड द मलेरिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया उसको भी सिलेक्ट नहीं किया जाए, उसको मलेरिया उसको भी सिलेक्ट नहीं किया, दोनों के अलावा किसी एक को हमने सिलेक्ट किया गया, तो ऐसे ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे एक को सिलेक्ट किया गया, तीनों को दोनों को छोड़ दिया गया, तो आप ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ होता है आपका डायरेक्शन का, डिस्टर्ब किया हुआ स्टेबलाइजर का, किसी एक को सिलेक्ट किया गया और बाकी को ऐसे
बाकी को सिलेक्ट नहीं किया गया, मीन्स एक डायरेक्शन में सिलेक्ट किया गया तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसको और भी एग्जांपल्स के थ्रू बता रखा है ना। तो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में क्या होता है, नॉर्मली हमें जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए, जैसे डायरेक्शन का क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव क्या होता है ना, न्यूट्रल सिलेक्शन क्या होता है, तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल हो आप लर्न कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दे रखा है, एक्रोमिगेली रिजल्ट ड्यू टू रिसेसिव रिलीज। तो जो एक्रोमिगेली, ये जो क्या होता है ना कि मान लो कि इसका सिंपल मीन होता है एक्रोमिगेली। तो देखो एक्रोमिगेली का मतलब होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा कंसंट्रेशन में इंक्रीज बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं दैट इज द एक्रोमिगेली। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इन द एडल्ट। अगर ये यंग वन के अंदर अगर देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं गैंगेंटिज्म, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, तो कभी आपका इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी आपका इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और अगर हाइपोसिक्रेशन हो तो, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर होना मीन्स ज्यादा, तो ये चीज ध्यान रखना। हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको भी इस टाइप का ही नाम होता है, वेट, दैट इज द एक्रो। तो ये ध्यान रखना ना, सी आर है, ओके तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, एक्रोमिगेली रिजल्ट इन एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। इस रीजन, इससे क्या होता है ना कि जब ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जब एडल्ट स्टेज आती है तब ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फेस है या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट है वो असिमेट्रिकल हो जाता है, ओके लाइक जो चीक आता है वो एक साइड से बाहर निकल जाता है, या फिर जो लिप्स है बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, या फिर जो नोज है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा हो जाता है ना, ये जो हेड है वो बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका बॉडी के अंदर जब आप एडल्ट स्टेज में हो जाते हो तो ये आपका जीएच हार्मोन इंक्रीज की वजह से होता है, ओके। अगर इसको टाइम पे इलाज नहीं कराया जाता है तो पिट्यूटरी कैंसर भी हो जाता है। तो ये सारी देखने को मिलता है, इसका वैसे बेसिक बहुत इलाज है, तो वो डॉक्टर से जल्द कंसल्ट कर लेना चाहिए, ओके। तो असिमेट्रिकल फैक्स एक्सेट्रा ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द इंफीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज, ये जो बॉन्स है ऑस्टियोलॉजी में जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, क्वेश्चन एज इट इज सेम होते हैं, तो कुछ आपका 12th का जो नीट लेवल का है उसकी प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, तो उतना ही काफी है ना। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज द ज़िफोइड पॉजेस, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, द सिमिलर दैट अफेक्ट द कॉमन ओरिजन फॉर द मैन एंड चिंपांजी इज, तो जो क्या है, ऐसी सिमिलरिटीज रिफ्लेक्ट द कॉमन ओरिजन, कि जो मैन है एंड चिंपांजी का जो ओरिजन है वो एक से ओरिजन हुआ है, तो किस कैरेक्टर को देख के हम बोल सकते हैं, है ना, तो वो हम आयरस फैक्टर इन ब्लड के देख के बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेटिव है, ये जो कीमो रिसेप्टर है ना, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना अलग अलग ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सारा देख लेना, अलग अलग रिसेप्टर्स हुआ आपका, कौन सी किडनी प्रेजेंट है, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ये जितने भी है आपका क्लासिकल पाथ, जो भी क्लासिकल जोलॉजी सब के सब आप अच्छे से रट लेना ना। वैसे ये थोड़ा आप 12th लेवल का पढ़ लोगे तो भी आपका काफी हो जाएगा, तो एलन के मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो उसके अंदर ये ज्यादा से हाईलाइट कर रखा होता है पॉइंट्स को। सो आपका जो आंसर है दैट इज द ऑस्ट्रेडियम, और ये क्वेश्चन एज इट इज 2020 में पूछा गया ना। 73, स्पेशलाइज्ड सेल दैट फॉर्म स्केलेटन इन स्पॉन्ज इज कॉल्ड,
ओके तो ये जो आपका दे रखा है ना कोइनोकोसाइट पिनोसाइट है ना, ये क्या क्या बनाती है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्केलेटन इन स्पॉन्ज, तो जो अमीबॉइड सेल होती है जो स्क्लेरोसाइट्स भी बोलते हैं वो स्क्लेरोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो है स्पिक्यूल्स बनाता है ना, दैट इज अ स्केलेटन होता है, तो स्पॉन्ज इज कॉल्ड ये इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसाइट्स। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। टीक्यू मॉनिटर डीएनए रेप्लिकेट इज इंट्रैक्ट मैमेलियन सेल, कोई ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है मैमेलियन सेल के साथ इंट्रैक्ट कर दिया। ओके वन नीड टू लेबल सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो श्योर सी बात है जब किसी डीएनए को अगर मैमेलियन सेल के अंदर डाला है तो हमें कैसे पता चलेगा ये रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है एक्सेट्रा। तो हमें किसी चीज को लेबल करना होगा ना, तो ध्यान रखना मेनली जो फॉस्फेट कंपाउंड होता है उसको हम लेबल करते हैं। तो जो यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आप एटीपी के अंदर आ रहा है। ओके तो एटीपी के अंदर आ रहा है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे एटीपी को ऐसे लेबल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका फॉस्फेट को लेबल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द कोबरा। तो आप ध्यान रखना जो पॉइजनस स्नैक है एंड नॉन पॉइजनस स्नैक है इन दोनों के बीच में आपका बेसिक डिफरेंट क्या है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द थर्ड सुपीरियर लेबियल स्केल टच स्केल ऑन द आई एंड द नॉस्ट्रियल। ओके सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ध्यान से सुनना जो स्नैक वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका टाइप ऑफ कि कौन कौन से टाइप ऑफ स्नैक के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और उसके किसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर रखा है और नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस के बारे में डिफरेंट। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और अगर आपको किसी भी स्टडी मटेरियल लाइक बुक्स की जरूरत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको जो अवेलेबल है बुक्स वो आपको मिल जाएगी। ओके वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट आपको 1000+ 2000+ स्टूडेंट वहां पे आपको एमएससी एंट्रेंस की मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएचयू के पेपर भी आराम से सॉल्व करो, कि बीएचयू के क्वेश्चन भी एज इट इज यहाँ पे डीयू में देखने को मिलता है, तो इनके भी पेपर सॉल्व कर लो। ओके तो बाकी मेरे इस चैनल पे 2014 से लेके 20 तक की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना, एग्जाम में काफी हेल्प होगी। और जो भी टॉपर टॉप वीडियो है जो भी डीयू एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने जो टॉप किया उनकी वीडियोस भी आप देख लेना, उसका लिंक भी आपको उनको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो आप उन स्टूडेंट को साथ शेयर करना जो आपकी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।